भयंकर गर्मी है दोस्तों, और इस गर्मी में मैं गर्मी वाली एक बहुत ही टेस्टी, दिल और दिमाग को जो आपका ठंडा कर दे, जब आप ऑफिस से थक के आए, बच्चे स्कूल से आए, हस्बैंड आए, तो आप इस ड्रिंक को बनाकर यदि उनको सर्व कर देंगे तो सब आपकी तारीफ किए बिना नहीं चूकेंगे। फ्रेंड्स, बहुत इजी रेसिपी है, मिनटों में बनती है। पान के पत्तों से हम इसको बनाएंगे, पान के पत्ते के साथ, और क्या क्या चीजें हम इसमें ऐड करेंगे उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं दिल और दिमाग दोनों को तरोताजा करने वाली ड्रिंक हम कैसे बनाएंगे। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी इस ड्रिंक की बात यह है कि हम बनाएंगे तो इस ड्रिंक को किचन में, लेकिन गैस जला के नहीं, पंखे के नीचे खड़े होकर। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार, और इसमें डाल रही हूं मैं आधा कप चीनी। फ्रेंड्स, ये हम 3 से 4 ग्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आधा कप चीनी हमारी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ मैं डालूंगी 1 पिंच ग्रीन फूड कलर। इससे ज्यादा कलर बिल्कुल ऐड मत करिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कलर आपने डाल दिया तो ये चीनी हमारी पिसने के बाद हरी हरी हो जाएगी, और हमें बिल्कुल ऐसी चीनी नहीं चाहिए। और अब मैं डाल रही हूँ 4 हरी इलायची, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसी के साथ डाल रही हूँ 4 से 5 या 6 बादाम, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें और ना डालना चाहे तो ना डालें। और अब इस चीनी, बादाम और इलायची को हम पीस लेते हैं। तो लीजिए, चीनी हमारी पीस के रेडी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बस थोड़ा सा इस चीनी का कलर चेंज हुआ है, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड किया था। ये देखिए इस तरह से। और अब इस चीनी को हम निकाल लेते हैं एक दूसरे बोल में। इस मजेदार सी ड्रिंक को बनाने के लिए बस 2 से 3 सामान हमें और लगेगा। फ्रेंड्स, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वो है सौंफ। ये मोटी वाली सौंफ है फ्रेंड्स, इसको मैंने बस आधा घंटा पहले भिगो दिया था, 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया, और इसी चम्मच से नाप के, आप साइज देख सकते हैं, इस चम्मच से नाप के मैंने इसे भिगो दिया था, जिससे ये सौंफ अच्छे से फूल चुकी है। ये है गुलाब की पत्तियां, ये एक फूल मैंने तोड़ा फ्रेंड्स अपने बगीचे से, आपके पास भी लगा होगा, नहीं हो तो ये बहुत आराम से मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से फूल की पत्तियों को मैंने तोड़ लिया है, और इसको भी मैं भी अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो एक गुलाब के फूल की ये पत्तियां हैं, और इसी के साथ मेरे पास है यहाँ खजूर। फ्रेंड्स, ये 5 से 6 मैंने खजूर लिए थे, और इस तरह से उसके बीज को निकाल दिया है। बहुत ही टेस्टी ये ड्रिंक बनने वाली है फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा और जरूर बनाइएगा वीडियो देखने के तुरंत बाद। और सबसे जरूरी चीज है इस ड्रिंक की पान के पत्ते, क्योंकि हम लोग पान की ड्रिंक बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 पान के पत्ते। और फ्रेंड देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इनको वॉश कर लिया है। ये देखिए, सारे पत्तों को एक एक करके आप अच्छे से दोनों तरफ से वॉश कर लीजिए। अगर बड़े पान के पत्ते आपको मिलते हैं तो आप 3 या 4 ले सकते हैं। ये शायद मेरे पास 6 पान के पत्ते हैं। जी हाँ, ये 6 पत्ते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन पान के पत्तों की डंडियों को काट देंगे, और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो ये लीजिए, पान के पत्ते भी कट कर रेडी है इस तरह से। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से पान के पत्तों को वॉश करिएगा, और सौंफ को भी बहुत अच्छे से धोकर भिगोइएगा, क्योंकि बहुत मिट्टी होती है सौंफ में भी, और ये बाजार में कैसे पान के पत्ते वो लोग रखते हैं इस तरह से। ये देखिए, मैंने अच्छे से वॉश करा है, और अब हम इस पान के पत्तों की चटनी बनाएंगे। वापस से ले लीजिए वही मिक्सी का जार जिसमें हमने चीनी पीसी थी, चीनी लगी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें मैं डाल देती हूँ ये भिगाई हुई सौंफ। फ्रेंड्स, बनाइएगा जरूर, आपने जिसको भी बनाकर ये ड्रिंक पिला दी एक बार तो बार बार वो आपसे इसी ड्रिंक की मांग करेगा। और अब ये डाल देती हूँ मैं इसमें ये खजूर, बीज निकाल दिए हैं फ्रेंड्स, और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ये गुलाब की पत्तियां, इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, और अब जाएंगे इसमें ये पान के पत्ते, और इन सब चीजों को अब हम पीस लेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो सौंफ हमने इसमें डाली है वो पानी के साथ ही डाल दिए, क्योंकि साफ पानी था और थोड़ा हमें चटनी के फॉर्म में चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपके पास गुलूकंद हो तो आप गुलूकंद डाल दीजिए 2 चम्मच, तो आपको खजूर और गुलाब की पत्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर गुलूकंद आपको मिल जाता है, इजिली मिल जाता है,
पान की दुकान पर जहां से आप पान के पत्ते मंगाएंगे। मेरे पास ग्लूकंद नहीं है तो मैं खजूर और गुलाब की पत्तियों से इस ड्रिंक को बना रही हूं। तो चलिए बातें बहुत हो गई और फटाफट से इस चटनी को पीस लेते हैं। और ये लीजिए हमारी मजेदार सी पान की चटनी पिसकर रेडी है। बिल्कुल लग रही है ना हरे धनिया पुदीने वाली चटनी, लेकिन ये तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी पान की चटनी है। अब हमें क्या करना है, एक बोल लेंगे हम और उस पे लगाएंगे एक चलनी। फ्रेंड्स इस तरह की चलनी यदि आपके पास ना हो तो आप एक महीन कपड़ा ले लीजिए, जैसे करेले का जूस वूस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कपड़ा एक महीन, और उसमें ये सारी चटनी हम पलट देंगे इस तरह से। ये देखिए सारी चटनी मैंने पलट दी है और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ 2 चम्मच के लगभग, और उसको भी निकाल लेती हूँ अच्छे से। तो मिक्सी के जार में देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको भी इसी में हम पलट लेंगे। और अब अच्छे से हम इस चटनी को छान लेंगे इस तरह से चलाते हुए। ये देखिए तो यहां पर हमने सारी चटनी को अपने छान लिया है। ये बिल्कुल हल्का सा मोटा मोटा दरदरा सा बचा हुआ है पार्ट, क्योंकि हमने बिल्कुल महीन पीस लिया था। तो इसको अब हम हटा देते हैं क्योंकि मुंह में हमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और यहां पर हमको मिल चुका है स्मूथ सा पान का पेस्ट। ये देखिए पान और सौंफ का कितना बढ़िया पेस्ट है। थोड़ा थोड़ा ये करेले के जूस की तरह लग रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये कड़वा नहीं है, ये बहुत टेस्टी है। ये देखिए ये हमारा पेस्ट तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, इसको दूध में मिक्स करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देती हूँ कि यदि आपकी ये चटनी ज्यादा बनी हुई है पान वाली, तो आप इसे स्टोर करके 1 से 1.5 महीना फ्रिज में रख सकते हैं। जितनी आपको ड्रिंक बनानी है आप उतना 2 चम्मच के हिसाब से, 1 ग्लास में ये 2 स्पून इसी चम्मच से 2 चम्मच आप बस दूध में मिक्स करिए 1 ग्लास दूध में, और आपकी ड्रिंक रेडी हो जाएगी। तो मुझे भी जितना आज अभी 2 ग्लास बनाना है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें 4 चम्मच इसमें छोड़ूंगी और बाकी मैं इसको बॉटल में भर के फ्रिज में स्टोर कर लूंगी। बहुत आसान होता है इस तरह से स्टोर करके, अगर रखा हुआ है हमारे पास ये पान और सौंफ का पेस्ट, तो जब भी आपका मन करे आप इस ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के लगभग इस पेस्ट को इस बोल में रख लिया है, और बाकी जो हमारी ये चटनी बची है ये देखिए मैंने बॉटल में भर ली है और इसे फ्रिज में रख के मैं स्टोर करूंगी। जब पीना होगा पिसी हुई चीनी मिक्स करूंगी, 1 चम्मच 1 ग्लास में डालूंगी, या जितना आपको पसंद है 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, और बस फटाफट हम इस ड्रिंक को बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस चटनी में डाल रही हूं 2 ग्लास दूध। ये देखिए ग्लास का साइज भी आप देख सकते हैं, इतने बड़े ग्लास में अगर आप दूध ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच ही चटनी डालनी है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें 1 ग्लास दूध, और 1 ग्लास दूध मैं और डालूंगी। तो 2 ग्लास दूध हमारा चटनी में मिक्स हो चुका है, और अब बारी आती है चीनी की जो हमने पीस के रखी है। तो चीनी आप घर के स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूं अभी 5 चम्मच ही पिसी हुई चीनी, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा तेज मीठा पिया जाता है। 3, 4 और ये 5, उसके बाद भी आप चख लीजिए, अगर चीनी कम लगती है तो आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करिए और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इस ड्रिंक का। और ये हमारी ड्रिंक अभी अधूरी है जब तक इस ड्रिंक में हम बर्फ नहीं डालते। तो चलिए अब ग्लास में हम इसको ठंडा ठंडा सर्व करते हैं। और ड्रिंक हमारी बनके रेडी है, मैंने यहाँ पर ट्रे में लगा ली है ग्लास। और फ्रेंड्स इस ड्रिंक को सर्व करने से पहले ये थोड़ी सी चटनी हमने अभी बॉटल में भरने से पहले निकाल ली थी, तो मैं 2 से 3 ड्रॉप इस चटनी को हम सारे ग्लासों में डाल देंगे नीचे। ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है, और अब हम डालेंगे इसके ऊपर से ये अपनी मजेदार सी ड्रिंक। ड्रिंक डालने से पहले इन ग्लासों में चटनी के ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी सी बर्फ। तो मैंने ये बर्फ निकाल ली है, जितना बर्फ आपको पसंद है उतना आप डालिए फ्रेंड्स। बर्फ तो आप जितनी भी डाल दें उतनी कम है, और बच्चों को तो बिना बर्फ के आप कोई भी ड्रिंक सर्व कर दीजिए उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों के ग्लास में अच्छे से बर्फ को डाल दीजिएगा। लीजिए डाल दी बर्फ, और अब हम इन बर्फ के ऊपर डालेंगे ये हमारी बनाई हुई पान की ड्रिंक।
सारी ड्रिंक हमारी ग्लास में आ चुकी है और अब हम इसे गार्निश कर देते हैं। ये गुलाब की पत्तियां मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी। इस तरह से दो दो तीन तीन पत्तियां हम डाल देंगे सारे ग्लासेस के ऊपर। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरल कलर वाली सुपर टेस्टी पान की ड्रिंक हमारी बनके तैयार है। आप किटी पार्टी में, बच्चे गर्मी में स्कूल से आते हैं, हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, जब मर्जी आपके पास पान की चटनी बॉटल में बनी रखी होगी और आप इस ड्रिंक को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो प्लीज आपको मेरी इस ड्रिंक की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर से। अच्छी लगी तब भी बताइएगा और नहीं अच्छी लगी तब भी बताइएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।